हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए आलू की सब्जी की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू बच्चों और बड़ों दोनों को ही काफी पसंद आती है और अगर उसका आलू दम बनाकर खिलाया जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आलू दम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बॉइल्ड आलू का इस्तेमाल किया है, तो आप सबसे पहले प्रेशर कुकर में 1 whistle लगाकर आलू को पका ले। अब हम आलू में एक फोर्क की सहायता से उसमें छेद कर लेंगे। आप चाहें तो टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा करने से मसाले आलू के अंदर तक अच्छी तरह से जाते हैं और आलू दम बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अब हम बाकी के आलूओं को भी इसी तरह से छेद कर तैयार कर लेंगे। अब हम गैस ऑन कर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 3 tablespoon ऑयल डालकर उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है और अब आप फ्लेम को लो कर दें और इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करते समय आप हमेशा ध्यान रखें कि फ्लेम लो हो, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। 1/3 teaspoon हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/3 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/3 teaspoon नमक डालेंगे। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिला देंगे और अब हम इसमें बॉइल्ड पोटैटो ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू को हमें मीडियम फ्लेम पे 4 to 5 minutes के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक शैलो फ्राई करना है। आप चाहो तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आलू कितना सुंदर गोल्डन ब्राउन फ्राई होकर तैयार हुआ है। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं और अब हम सेम पैन में 2 tablespoon मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। मस्टर्ड ऑयल ऐड करने से आलू दम में एक अलग ही टेस्ट आता है और इसमें हम 8 से 10 लहसुन की कलियों और 1 inch अदरक के टुकड़े को रफली चॉप करके डालेंगे और इसे 1/2 minute के लिए फ्राई करेंगे। और अब हम इसमें 1 कटोरी प्याज डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 minute के लिए ट्रांसलूशन होने तक फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 7 से 8 piece काजू डालेंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें चॉप किए हुए 2 medium size के टमाटो ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए टमाटो को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो अब हम लिड हटाएंगे और आप देख सकते हो कि टमाटो अच्छी तरह से पक चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, अच्छी तरह से मैश हो जा रहा है। तो अब आप गैस ऑफ कर दो और एक ब्लेंडिंग जार में इसे ट्रांसफर कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम गैस ऑन करके सेम पैन में 2 tablespoon मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और अब हम यहाँ खड़ा गरम मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1 teaspoon जीरा, 1 तेज पत्ता, 2 piece लौंग और 2 piece हरा इलायची का इस्तेमाल किया है और इसे आप 1/2 minute के लिए भून लें। और हमने जो अनियन टमाटो का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 teaspoon धनिया पाउडर डालेंगे। 1 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 4 to 5 minutes के लिए भून लेना है। मसालों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि हमारे मसालों के किनारे से ऑयल ना निकलने लगे। और अब आप देख सकते हो कि मसालों के किनारे से ऑयल छूटना स्टार्ट हो गया है, तो आप इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब हम यहाँ नमक स्वादानुसार डालेंगे। 1 teaspoon गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम 1/2 minute के लिए इसे भून लेंगे। और अब आप देख सकते हो कि मसालों के किनारों से अच्छी तरह से ऑयल छूटने लगा है, तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। और हमने जो आलू फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे ग्रेवी में।
फ्राइड आलू को आप ग्रेवी के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब हम इसे ढक कर मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि आलू के अंदर मसालों का स्वाद अच्छी तरह से मिल जाए। 5 मिनट हो चुके हैं तो हम लिड हटाएंगे और आप देख सकते हो कि कितना स्वादिष्ट, लाजवाब, शानदार आलूदम बनकर तैयार हुआ है। और आप इसे एक बार मिक्स कर लें और आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर है और आलू मसालों के साथ अच्छी तरह से पक चुका है। तो आप इसे एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लें और अब आप देख सकते हो कि मैंने आलू दम को एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम इसके चारों तरफ डालेंगे, थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और आलू दम की गार्निशिंग होकर तैयार है। और ये शाही आलू दम आपके गेस्ट को सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप जीरा राइस और पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी शाही आलू दम की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर मुझे बताएं। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय। मेरे और भी वीडियोस को देखने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हो।